हाथों को उठाओ, अपने मनों को खुदाबंद के साथ लगाओ, क्योंकि बरकत का टाइम है हमारे पास, परमेश्वर के साथ और मजबूत होने का टाइम है हमारे पास, अभी उसकी इच्छा में बढ़ने का टाइम है हमारे पास। धन्यवाद परमेश्वर, ये तेरे लोग हैं खुदाबंद, निश्चय परमेश्वर तेरी सामर्थ इन्हें टच करे, इनके मनों में काम करो परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में काम करो परमेश्वर, ये छुए जाएं आज खुदाबंद, इनकी मन की आंखें आप खोल दो यीशु मसीह के नाम, जीव शक्ति से शक्ति से शक्ति से खुल जाएं आपकी मन की आंखें, खुल जाएं आपकी मन की आंखें, हर उस नेगेटिविटी को, दुष्ट के गंदे प्रभाव को जो आपकी जिंदगी में काम करके क्लेश को उत्पन्न करता है, अशांति देती है, नेगेटिविटी, बीमारी, हालात, वो यीशु के सामर्थ्य नाम से टूट जाए और ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ, आमेन, हालेलुया। आप कब सब कैसे हो, खुश हो? आमेन। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपकी खुशी को, आनंद को आज और बढ़ाएगा, बरकत देकर, आशीष देकर। मेरा विश्वास है कि आज आप और भी बहुत कुछ परमेश्वर के सच्चे ज्ञान को लोगे और बड़ी बरकत पाओगे। आमेन, हालेलुया। बैठ जाओ अपने स्थानों पर आराम से, शरीर में और आत्मा में खड़े रहो, ताकि हम सब उस पवित्र और सच्चे ज्ञान को सुनकर आगे बढ़ते जाए, है ना। तो आप जानते हो ये हालेलुया शब्द जो हम बोलते हैं, इसका मतलब परमेश्वर जो महान है उसकी स्तुति महिमा हो, ये हिब्रू शब्द है ना। जैसे तो इसीलिए ये हिब्रू शब्द है, चाहे हम पंजाबी में पवित्र वचन बाइबल पढ़ते हैं, चाहे हम हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन ये शब्द उस टाइम का है जब वो लोग परमेश्वर के लोग हिब्रू भाषा यूज करते थे या यूनानी भाषा यूज करते थे, तो उस भाषा में परमेश्वर की महिमा को ऐसे बोलते हैं, धन्यवाद को, उस्तुत को, उसकी हम उस्तुत महिमा बोलते हैं ना, हालेलुया बोलकर। तो जो लोग इस शब्द को नहीं जानते वो इसको अच्छा फील नहीं करते, है ना, क्या नहीं करते वो लोग, इस शब्द को अच्छा फील नहीं करते, लेकिन हम तो अच्छा फील करेंगे क्योंकि हमें इसकी समझ है। आमेन। तो आज ये थर्ड पार्ट है मेरी उस टीचिंग का, हालेलुया। सो आज मैं आपको इस मन के पॉइंट के ऊपर, रिश्ते के बारे में, मेल मिलाप के बारे में, और सबसे पहले एक प्रार्थना के पॉइंट पर बात करूंगा। जैसे अभी प्रार्थना किया हुआ तेल है ना, पानी, कपड़ा लोग यूज करते हैं ना, करते हैं या नहीं करते, ये क्या है और प्रार्थना क्या है, इसका अंडरस्टैंडिंग मैं तुम्हें देना चाहता हूं आज अकॉर्डिंग टू बाइबल, ठीक है। तो मैं आपको आज एक चीज समझाना चाहता हूं प्रार्थना के बारे में, जो हम लोग करते हैं, ये प्रार्थना क्या है, क्या चीज है ये प्रार्थना, ठीक है। जैसे मान लो आप जैसे आप प्रार्थना करते हो या मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, ठीक है, तो इसका विषय आपको अच्छे से समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है। अगर मैं प्रार्थना करता हूं तो वो प्रार्थना, जो प्रार्थना है वो किसके लिए, वो मनुष्य के लिए, उसके मन के लिए। प्रार्थना क्या है, जैसे मान लो मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए, आप उसे ध्यान से सुन रहे हो कि ये मेरे लिए प्रार्थना हो रही है, आप उसे रिसीव कर रहे हो,
ठीक है, उस प्रार्थना को आप उस प्रार्थना के शब्दों को है ना बाजुओं के ऊपर लगाओगे, ऐसे प्रार्थना आ जाए, प्रार्थना आ जाए, ऐसे नहीं ना। तो वो प्रार्थना आपके मन की चीज है। अगर मैं आपके लिए करूं, ठीक है, अगर मैं आपके लिए करूं प्रार्थना, वो मन की चीज है। क्या चीज है? इसमें एक करने वाला मैं, एक आप, सुनने वाले एक गॉड, तीन लोग शामिल होते हैं इसमें। बोलो कितने लोग? तीन लोग। एक तो वो खुदा परमात्मा, क्योंकि हम उस पर भरोसा रखकर उसकी उसके साथ ये प्रार्थना कर रहे हैं कि वो कर रहा है काम। आप उसे सुन रहे हो, आप उसे रिसीव कर रहे हो। आपके मन के अंदर अगर वो प्रार्थना जारी है तो उससे आपका विश्वास उस प्रार्थना के ऊपर आएगा आपके मन के अंदर। तो वो शब्द, वो प्रार्थना आपके जीवन में फिर क्या करेगा? काम करेगी। ठीक है, तो ये प्रार्थना का मतलब है। लेकिन इस पर अभी मैं एक वचन पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, ताकि आपको ये बात और अच्छे से समझ आए। इसको मैं जाऊंगा परमेश्वर के पवित्र वचन में, प्रेरितों की बुक में। ठीक है, इसको पंजाबी में बोलते हैं रसूलों के कर्तव्य। ठीक है, इसका चैप्टर है 10। इसको मैं पढ़ दूंगा मे बी 4 तक 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, प्रेरितों की बुक रसूलों के कर्तव्य 10 अध्याय, उसका 1 वचन से लेकर 4 तक मैं लगातार पढ़ूंगा आपके लिए। क्या लिखा? कैसरिया में कुर्नेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतलियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वो दो चीजें लगातार कर रहा था, एक कुर्नेलियस नाम का अन्य जाति, ना ये यहूदी था ना ये क्रिश्चियन था, अन्य जाति है ना, जैसे आप लोग भी बहुत सारे क्या हो, अन्य जाति हो ना, अन्य जाति हो तो आप दुखी थे, परेशान थे, तो आपको क्या मिली? गुड न्यूज। जैसे ये एक भाई है ना जो सेकंड नंबर पर बैठा, पहली 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 लाइन में सेकंड पर बैठा ना, जो जलंधर से आया था, जिसकी वो फैक्ट्री लग गई उसकी मैट्रेस की है ना, गद्दों की। ठीक है, तो मैं इसकी जब गवाही सुन रहा था, बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी कुछ नहीं करना बस, तो जब मैं इसकी गवाही सुन रहा था तो ये तो नहीं जानता था ना परमेश्वर को कौन है, अन्य जाति है, ये किसी भगवान का नाम ले रहा था कि मैं उसकी पूजा करता था। मैं तो यीशु को जानता भी नहीं, मैं तो पता नहीं कितने सालों से बीमार था, मेरी जिंदगी नरक बन गई थी। इसने बहुत पाठ पूजा की लेकिन कुछ आराम नहीं आया। लेकिन एक दिन इसको स्वप्न आता है प्रभु यीशु मसीह का। ठीक है, ये तो चर्च के बारे में जानता भी नहीं, शिक्षा के बारे में जानता भी नहीं, लेकिन जब इसको स्वप्न आता है तो फिर इसको पता लगता है मुझे चर्च में प्रभु जो यीशु है वो कहता मेरे भवन में आ, तेरा भला हो जाएगा। जैसे आज एक हमारा यहाँ टीम मेंबर बता रहा था कि परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें चुना, तूने मुझे नहीं चुना। क्योंकि अगर इंसान परमेश्वर की चुन करता तो कभी नहीं कर पाता। यह अच्छा है कि परमेश्वर की दया काम करती है कि हम चुने जाते हैं। ठीक है, इसने जब परमेश्वर को जाना, बिलीव किया, समझ आया, इसकी जिंदगी जो नरक थी वो क्या बन गई? स्वर्ग बनी या नहीं बनी? मैं इस बंदे को आज तक नहीं मिला, अभी तक भी नहीं मिला। मैं सुन रहा था इसकी गवाही और उसमें ये मुझसे मिलना चाहता था लेकिन किसी कारण से मिल नहीं पाया। वैसे तो हम मिल लेते हैं, सुन लेते हैं बात, इस मिनिस्ट्री में सुनी जाती है बात। ठीक है, लेकिन अच्छा है ये शिक्षा पकड़ गया और आज इसकी जिंदगी ब्लेस है। कैसे? इसकी जो एक नाड़ी ब्लॉक थी और कितने सालों से एलर्जी थी, जिसकी
कोई ट्रीटमेंट से इलाज नहीं हुआ, वो परमेश्वर की सामर्थ्य से हुआ, शक्ति से हुआ। ये गवाहियां, ये काम गवाह है कि जिंदा खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है हमारे साथ, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं। मैंने अपने जीवन में वो काम देखे जो इम्पॉसिबल थे, मैंने वो चीजें देखी जो मैं भी अगर अपनी सोच से सोचूं तो नहीं हो सकता था, लेकिन वो भी हुआ। ऐसी बीमारियां, ऐसे काम, लोगों के हाथ टेढ़े मेढ़े सीधे हो गए, बॉडियां काम करने लगी जो डॉक्टर नहीं कर सकते थे, उसको परमेश्वर ने किया। वो कर सकता है, वो जीवित है, वो शक्तिशाली है, ठीक है। लेकिन अभी तुम लोगों ने आज ये बात को समझना है, ये जो कुरनेलियस है ये अन्य जाति है, लेकिन इसको परमेश्वर यहूदियों के द्वारा समझ आया, क्योंकि ये भी पत्थर मिट्टी की पूजा करता था, परेशान था, दुखी था, हालातों में था। किसी ने गुड न्यूज दी यहोवा के बारे में, ये सुनने लगा, यहूदी लोगों के पास जाकर इसको समझ आने लगी और फिर ये विश्वास करने लगा यहूदियों के खुदा यहोवा के ऊपर, ठीक है। फिर ये नियम के अनुसार अपना 20, अपना 10% और अपनी प्रार्थना में रहने लगा परमेश्वर के साथ। अच्छा, जब ये प्रार्थना करता था तो वो प्रार्थना कहाँ गई? सोचने वाली बात है ना। तो यहां पर लिखा है, वह यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु, क्या है? स्वर्गदूत ने कुरनेलियस से कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंच चुके हैं। हालेलुया। तो प्रार्थना का महत्व सीखो। जब तुम प्रार्थना करते हो तो वो प्रार्थना परमेश्वर के पास जाती है। वो प्रार्थना हम मन लगाकर परमेश्वर के सामने करते हैं, विश्वास है कि मेरी प्रार्थना, मेरे शब्द, मेरी बातें, मेरा धन्यवाद मैं किसके सामने रख रहा हूं? खुदा के सामने, परमेश्वर के सामने। एक वचन मैं और पढ़ता हूं आपके लिए, फिर आपको और समझ आ जाएगी। मे भी ये वचन हमें मिलेगा फिलिपियों में। कहां पर? तो फिलिपियों चार का छह में ऐसे लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। ये किसने कहा है हमें? परमेश्वर ने कहा है। चाहे तुम्हारा कोई काम नहीं हो रहा, चाहे तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही, लेकिन परमेश्वर ने हमें कहा किसी बात की चिंता मत करो। ये शब्द किसके हैं? इंसान के या दुनिया के मालिक के? क्या तुम्हारे अंदर बैठे हैं, तुम्हारे मन के अंदर ये वचन बैठा है कि उस परमेश्वर ने जिसने अपने शब्द बोल के आकाश पृथ्वी को बनाया है, सारी चीजों को बनाया है, उस परमेश्वर ने मेरे लिए वचन दिया कि किसी भी बात की चिंता मत करो। अगर तुम्हारे अंदर ये वचन है तो तुम्हें किसी मटेरियल की जरूरत नहीं है। अगर तुम शरीर में जाना चाहते हो तो ले लो मटेरियल, अगर तुम आत्मा में बढ़ना चाहते हो तो आत्मा के द्वारा जो जीवन है उसको समझो। तो यहां पर लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। मतलब तुमने अपनी प्रार्थना को, धन्यवाद को क्या करना है? परमेश्वर के सामने रखना है। ऐसा लिखा है, जो तुम चाहते हो, है ना। जैसे तुम्हारा काम अच्छा नहीं चल रहा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, मेरे काम में बड़ी बरकत है, उसकी फैक्ट्री बन गई है ना, तो वो फैक्ट्री में कहेगा इसमें और बरकत है, धन्यवाद परमेश्वर आपने फैक्ट्री दी, आप इसमें और बरकत दे चुके हो। तो किसके सामने रख रहे हो? परमेश्वर के सामने। ये मन की चीज है, ये मन के विश्वास की चीज है,
ये बॉडी पर लगाने वाला कोई मटेरियल नहीं है, ये अपना है, आपके अंदर की चीज, आपके भरोसे की चीज, आपके दिल की चीज जो आप परमेश्वर के सामने रखते हो, आपकी इच्छा मनसा जो खुदा के सामने रखते हो। हालेलुया, कितने लोगों को समझ आ रही है? इसमें तुम्हें परफेक्ट बनना है, अधूरे नहीं बनना। अगर तुम अधूरे रह गए, थोड़ा सा प्रार्थना किया, धन्यवाद धन्यवाद, कई लोग प्रार्थना करते करते सो जाते हैं, या प्रार्थना करते करते शब्द ही नहीं है उनके पास, क्या शब्द बोलने, इनकम्प्लीट आप ह्यूमन बीइंग हो स्पिरिचुअल लेवल में। तो आप लोगों को क्या करना है, इस विषय में बड़ा स्ट्रांगली समझना है, क्योंकि ये विषय एक बड़ा बड़ा यूनिक स्पिरिचुअल है, ये नॉर्मल विषय नहीं है आपके लिए, ये बड़ा आध्यात्मिक पॉइंट है आप लोगों के लिए। इसमें आपको परफेक्ट बनना है, मन का विश्वास, मन की प्रार्थना, मन की चीज है ये, जो कनेक्टेड विद गॉड, सीधा उससे हम कनेक्ट होते हैं। अगर आपको ये कनेक्ट होना नहीं आता तो फिर आप भटकते रहोगे, फिर आप आगे पीछे होते रहोगे, आपको अच्छे से ये पता नहीं है। इसीलिए लोग मटेरियललेस चीजों से पूजा पाठ करते हैं ना, मटेरियललेस चीजों से, वो तो रीति रिवाज है, उसको रिचुअल्स बोलते हैं, जो मनुष्यों के बनाई हुई चीजें हैं। हर धर्म, हर लोग, दुनिया में अगर लाखों तरह की भक्ति है तो लाखों तरह के रिचुअल्स मिलते हैं जिसे रीति रिवाज कहते हैं। लेकिन पूरी दुनिया के मनुष्यों को परमेश्वर ने एक समान बनाया, सबके अंदर एक तरह का हार्ट, एक तरह का लीवर, एक तरह का किडनीज का फंक्शन, बाथरूम का फंक्शन है ना, हार्ट का फंक्शन, फेफड़ों का फंक्शन, जीभ का फंक्शन। तुम हजारों जातियां इकट्ठी कर लो, एक पतीले में एक डिश बनाओ, सबको खिलाओ, सबकी जीभ क्या करेगी, एक ही टेस्ट करेगी, क्योंकि मनुष्यों को एक समान बनाया खुदा ने। इधर कहता कोई ऊंची जाति, कोई नीची, कोई मीडियम, कोई ओबीसी, कोई जर्नल, कोई वो एससी, कोई ऐसा ऐसा शूद्र। हिंदू धर्म में जाओगे तो वहां स्वर्ण जाति और शूद्र जाति ऐसे बोलते हैं हिंदू धर्म में। स्वर्ण समझते हो, स्वर्ण, स्वर्ण शब्द का मतलब समझते हो, सोना, सोना जाति, स्वर्ण का मतलब सोना। एक वो जाति जो स्वर्ण जाति है, एक वो जाति शूद्र, नीच, नाली जैसे, ऐसी बातें गंदी लोगों में। जबकि मनुष्यों को खुदा ने एक समान बनाया, सबके कानों का एक फंक्शन, किसकी बॉडी में ज्यादा कम अंग है जातियों के हिसाब से बताओ मुझे, सबको एक समान बनाया। ये अज्ञानता है लोगों की, जिसमें लोग अपने जीवन को नष्ट कर रहे, उस खुदा से, परमेश्वर से दूर होकर। आज हमें सीखने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, और लोगों को जीतने की जरूरत है। जब तुम्हारा भरोसा तगड़ा होगा, जब तुम्हारा विश्वास मन का बना होगा, तुम्हारे लिए सब परमेश्वर की शक्ति सामर्थ स्मूथ करते जाएगी, बैलेंस होता जाएगा तुम्हारी लाइफ में चीजों का, सब चीजों का। तुम बार बार कल्पोगे नहीं, तड़फोगे नहीं, परेशान नहीं रहोगे, जब तुम ऐसे भरोसे को रखकर चलोगे। हालेलुया, क्योंकि हमारा युद्ध भी है शैतान से, इंसानों से नहीं, ये युद्ध हमारा मन में है, याद रखना, ये मन की चीज है युद्ध भी, क्योंकि युद्ध में शैतान नहीं चाहता, क्योंकि जो लिखा ना, सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, ठीक है। तो ये जो युद्ध है हमारा, ये मन की चीज है ना, तो हथियार क्या है, वो परमेश्वर की धार्मिकता है, उसके साथ रिश्ता है, वो हथियार है, पवित्रता ही है ना, जैसे उसमें लिखा सुसमाचार की जुत्ती है ना, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है वो ले लो, उद्धार का टॉप है ना, वो क्या कहते हैं, धार्मिकता की झिलम, झिलम वो जो होते ना सोल्जर, पुराने जमाने में जो राजा के साथ सोल्जर, सिपाही, सेनापति, उनके ऊपर जो लोहे की वर्दी डालते ना, उसको बोलते झिलम, ठीक है। तो परमेश्वर ने उसको कहा तुम धार्मिकता की झिलम पहन लो, परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है धार्मिकता। तो ये हमारा युद्ध है कि हमने एक परमेश्वर के धार्मिक मनुष्य या धार्मिक जीवन जीने वाले इंसान बनना है। लेकिन शैतान चाहता है तुम ना बनो, तुम गलत काम करो, तुम चोरियां करो, झूठ बोलो, गंदे काम करो, नशे करो, क्लेश करो, झगड़ा करो,
खुद भी मरो, खुद भी अशांति में रहो और दूसरों को भी डालो। ये शैतान का राज्य, दुष्ट ऐसा चाहता है। लेकिन यहां पर हम जो सीख रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं कि हमारी जो प्रार्थना है ये मन की चीज है, विश्वास की चीज है, अंदर की चीज। इधर नहीं, इधर, इधर, यहां पर। कहां पर हमारा मन का है? इधर हेड के अंदर है। इधर तो हमारा हार्ट है जो खून को सप्लाई करता है पूरी बॉडी में। आपका मन इधर है, हार्ट इधर, इधर ऊपर इस ब्रेन में आपका मन है, ठीक है। तो वो जो मन है आपका, वहां से होना है सब कुछ। आप जानते हो कई लोग बिगड़े होते हैं, बच्चे अनाज्ञाकारी होते हैं, कुछ अच्छा नहीं करते, वो इधर बिगड़े हैं मन के अंदर। उनको शरीर की आदत पड़ गई है, संसारिक जीवन जीने की आदत पड़ गई। क्योंकि जैसी आपको सोसाइटी मिलेगी है ना, जैसी संगत मिलेगी वैसा आपका मन हो जाएगा। इसीलिए हमें संगति किससे रखनी है? खुदा के साथ। हालेलुया। अगर हमारी संगति उस खुदा के साथ है, हम खुदा जैसे बनना शुरू हो जाएंगे, उस परमेश्वर जैसा बनना शुरू हो जाएंगे। मैं उसके जैसा बन रहा हूं मतलब कभी खुदा तो नहीं बनूंगा, लेकिन उसके जैसा बनने में ही उसने वचन दिया है। मैंने पाप छोड़ दिए, मैंने नशे छोड़ दिए, जो करता था पहले, झूठ बोलता था, गलत चीजें करता था, मैं भी सब कुछ छोड़कर अब मैं भी उसके जैसा बन रहा हूं, बनता जा रहा हूं। आज मैं इस लेवल पर हूं, एक दिन और बड़े लेवल में बन जाऊंगा, एक दिन और बड़े लेवल में बन जाऊंगा। अगर तुम भी ये प्रैक्टिकल करते करते आगे आते जाओगे, तुम भी बनते जाओगे। हालेलुया। तुम्हें समझ आ रही है ना अभी प्रार्थना का विषय? समझ आ रहा ना? तो कर्नेलियस की प्रार्थना परमेश्वर के सामने जाती है और स्वर्गदूत आकर कहता है वो यादगिरी के लिए परमेश्वर के सामने पहुंच चुकी है। तो तुम्हारी प्रार्थना भी किसके सामने जाती है? आज जब तुम प्रार्थना करोगे, परमेश्वर से बातों करेंगे, तो कर्नेलियस की बात को याद रखकर करना कि उसकी प्रार्थना जा रही थी। मतलब ये वचन इसलिए हमारे लिए लिखा गया, स्वर्गदूत उसके पास आया ताकि हमें विश्वास आए कि हमारी प्रार्थनाएं भी कौन सुनता है? परमेश्वर सुनता है, 100% सुनता है। लेकिन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने रखना है। और जब हम इस तरह का नियम बनाकर मन के द्वारा करते हैं, तो साथ में कंडीशन क्या है? इसका 4:7 में लिखा, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। कंडीशन ये है, वो सारे काम तब हो जाएंगे जब तुम मन से अपनी प्रार्थना को, अपने शब्दों को, अपने विश्वास के द्वारा खुदा के सामने, परमेश्वर के सामने रखोगे। कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं। हालेलुया। आप जानते हो, जैसे एक चीज याद रखना, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, आप जानते हो जब नबूदक नसर राजा था, अना बेबीलोन का राजा, जब इज़राइल बंदी बना लिया गया, ठीक है, इज़राइलियों के लोगों ने गलतियां की तो वो बंदी बन गए। हमारा भरोसा परमेश्वर पर चाहिए, चीजों पर नहीं चाहिए। ये एक दिन हम प्रकट करके बखा देंगे दुनिया को, खुदा हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। हम एक दिन पवित्र आत्मा के प्रबंध को इतना तगड़ा प्रकट करके दिखाएंगे कि दुनिया हैरान हो जाएगी। हालेलुया। तो अभी हम आगे चलते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास तगड़ा विषय है सीखने का और भी। क्योंकि जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, बेबीलोन राजा नबूदकनसर ने जब इज़राइल को बंदी बना लिया, ये उस समय दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये परमेश्वर पर भरोसा करने वाले लोग थे। उस राजा ने एक सोने की मूर्ति बनाई और सारे देश को कहा इसके आगे माथा टेको, और ये लोग जानते थे ऐसा नहीं करना। खुदा यहोवा ने मना किया है कि किसी चीज के आगे सिर नहीं झुकाना। तो सजा ये थी कि जो राजे की बनाई हुई मूर्ति के आगे माथा नहीं टेकेगा, उसको जलते हुए आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। राजा ने सजा ठहराई थी ये वाली, और सारे देश ने, यहूदियों ने, यहोवा के मानने वालों ने भी डरते हुए मौत से माथा टेक दिया। लेकिन
इन तीन बंदों ने नहीं टेका, इनके पास क्या था? कोई मटेरियल, कोई प्रार्थना की हुई चीज थी इनके पास? अनदेखा विश्वास था। इनको पता था कि यहोवा हमारे साथ, वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं आ रही? इनके पास कोई ऐसी चीज हाथ में इनके थी, कोई ऐसी चीज प्रार्थना की हुई जिसे ये सोचे ये है हमारे पास मूसा की छड़ी, हारून की छड़ी या प्रार्थना किया हुआ कोई ऐसी चीज? इनके पास तो कुछ भी नहीं था। इनके पास क्या था? विश्वास, भरोसा। किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर। जब राजा ने बुलाया और कहा मेरा हुक्म है, तुम्हें पता है कि नहीं पता है? इन्होंने कहा राजा इस बात में तुम्हें उत्तर देना हम ज्यादा अच्छा नहीं समझते, क्योंकि जिस यहोवा की हम उपासना करते हैं वो तेरे आग के भट्टे से हमें बचाने की क्या रखता है? सामर्थ रखता है। राजा को गुस्सा आया, उसने उस भट्टे को 7 गुना और जलवा दिया, तेज कर दिया। इनको जब सुटवाया गया उसमें, फिकवाया गया भट्टे में, फेंकने वाले जल गए, लेकिन ये आग के अंदर रहे और जले नहीं। वाई? क्योंकि इनके अंदर मन की चीज काम कर रही। इनके मन के अंदर जो भरोसा उस पर चाहिए, मन के अंदर जो विश्वास चाहिए, मन के अंदर जो परमेश्वर की छवि काम कर रही थी, वो कितना शक्तिशाली इनके मन के अंदर वो बसा हुआ था। यही करने की जरूरत है। अगर ये नहीं है तो फिर कभी तुम्हारा वो चीजें मटेरियल तुम्हें बचा नहीं पाएगी। तुम्हारा मन का भरोसा, तुम्हारे मन का विश्वास तुम्हें बचा पाएगा। इसमें तुम्हें तगड़ा बनना है, स्ट्रांग बनना है। पवित्र आत्मा का जो दान है इसी काम के लिए है। क्योंकि पुराने नियम में जब आप पढ़ोगे तो परमेश्वर ने व्यवस्था दी, क्यों? क्योंकि हर एक के लिए आत्मा अवेलेबल नहीं था, लेकिन नबियों के लिए अवेलेबल था। आप इनके अंदर आत्मा काम कर रहा था, ये बंदों के अंदर, बाकी के अंदर नहीं काम कर रहा था, वो इसीलिए झुक रहे थे। अगर तुम चाहते हो कि मेरे अंदर आत्मा काम करे, होली स्पिरिट काम करे, वो तुम्हें मजबूत रखेगा, तुम्हें स्ट्रांग रखेगा, तुम्हें बुद्धि देगा, समझ देगा, वचन की समझ देगा, वचन याद कराएगा, सब बातें। जैसे तुम कहीं फंस गए हो, हालात है, तो तुम्हें एकदम से पवित्र आत्मा याद कराएगा, किसी बात की चिंता मत करो, ऐसे खुदा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो शक्ति, ये पवित्र आत्मा तुम्हें याद करेगा, याद दिलाएगा, परमेश्वर की सामर्थ, ताकत, ये पवित्र आत्मा का काम है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? तो अभी मैं आपको एक और वचन पढ़ाना चाहता हूं बाइबल के अंदर। हम जाएंगे अय्यूब की पुस्तक में, ठीक है? आज मैं यहां से आपको एक नई रेवलेशन समझाऊंगा, क्योंकि मेरे पास आत्मा, तो मैं आपको क्या समझाता हूं, नई नई बातें, उन्हीं वचनों में कुछ नई चीज, पावरफुल चीज जो खुदा का आत्मा मुझे देता है, ठीक है? तो आज हम अय्यूब का एक पॉइंट सीखेंगे। ये देखो, 1 से लेकर मैं 3 तक लगातार पढ़ूंगा अय्यूब की बुक, 1 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत सारे दास दासियां थी। वर्ण उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में से वह सबसे अमीर था, सबसे बड़ा था। हालेलुया, इस बात पर ध्यान दो आज, अगर अय्यूब जैसे बनना है आपने, ऊंचा बोलो हालेलुया। इसको ऊंचा बोलते हैं, इसको भी ऊंचा बोलते हैं, आमेन। तुम जानते हो हम दमदार लोग हैं, स्ट्रांग लोग इस दुनिया में। हम किसी चीजों से डरते नहीं है, ना हालात से, ना मौत से। हमारे अंदर वो सामर्थ काम करती है। अभी इस चीज को सीखो आप लोग, एक चीज को सीखो, वो चीज है अय्यूब की जिंदगी, मेरी जिंदगी, आपकी जिंदगी। परमेश्वर अपने वचन से एक प्रैक्टिकल चीज हमें समझाता है। मैंने अभी उस लड़की के जीवन से आपको एक प्रैक्टिकल चीज समझाई। आपके सामने गिर गई ना वो लड़की, फिर से अटैक हो रहा था ना,
जबकि इसको पूरा फ्री करवाया था हमने, किससे ये फिर पकड़ी गई? जब इसने देखो कौन सी चीजों पर मन लगाना शुरू कर दिया, जो मैंने सिखाया वो भूलने लगी, जो मैंने जबरदस्त चीज सिखाई थी वो इसने आगे पीछे कर ली, और मटेरियल की तरफ इसका मन चला गया। पकड़ लिया फिर शैतान ने। अब कई लोग जो जिनको ये बात अच्छे से नहीं पता, वो मुझे पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, लेकिन उनको सोचना नहीं चाहिए, इसको सोचना चाहिए जो सामने हो रहा है, उसको समझना चाहिए जो खुदा का कलाम कहता है। ठीक है, ध्यान देने वाला विषय है। मैंने फिर से कहा, बाइबल में लिखा दुश्मनों से भी प्यार करो, तो क्रिश्चियनिटी मेरी दुश्मन है, प्रभु के दास मेरे दुश्मन है, मेरे अंदर वचन है वो मेरे प्यारे हैं, प्रिय हैं, लेकिन जो काम खुदावंद ने मुझे कहा मैंने वो करना, बस। जो टीचिंग, जो होली स्पिरिट मुझे अगुवाई करता, मुझे पूरी दुनिया को बताना है। हालेलुया। तो अब इस विषय को हम ध्यान देंगे। अब सोचने वाली 500 जोड़ी बैल, क्योंकि ये अय्यूब लगभग 3500 साल पहले मनुष्य था, लगभग मैंने कहा 4000 साल पहले भी हो सकता है दुनिया के ऊपर, ठीक है। और ये जो मनुष्य है, ये इसके पास उस समय तो आज जैसा जमाना नहीं है ना, तो जानवरों से सारा कुछ करते थे, सवारी भी जानवरों की, खेती भी जानवरों से करते थे। तो 500 जोड़ी बैल, आप सोचो कितने खेत होंगे इसके पास, कितनी जमीन होगी, कम से कम जितना इसका वो 7000 भेड़ बकरियां, वो कितने थे ऊंट, 3000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां और बहुत से दास दासियां, कम से कम हजारों एकड़ जमीन थी इसकी अपनी, हजारों एकड़। और लिखा इतनी संपत्ति थी इसके पास कि उस देश में इससे बड़ा मनुष्य कोई नहीं था। अब चार बातों में बताया, चार बातों में परमेश्वर ने बताया किससे, इन चार बातों के कारण मैंने इसे इतना तगड़ा और बड़ा कर दिया। कौन सी चार बातें थी? पहली बात, वह खरा था। दूसरी बात, वह मन से सीधा था। तीसरी बात, वह परमेश्वर का भय रखता था। चौथी बात, वह बुराई से दूर रहता था। कोई मटेरियल नहीं थे इसके पास किसी भी प्रकार का, इसकी मन की चीज थी वो परमेश्वर का भय रखना, उसकी मर्जी में चलता था, बुराई से दूर रहता था। आज बुराई करना तो 5 मिनट का काम है। तुम जरा सा ध्यान दो किसी वीडियो पर, फोन पर पकड़े गए नेगेटिविटी से, तुम्हारा दिल करेगा शैतान तुम्हारे सामने नंगी वीडियोस ले आएगा। अगर लेडीज है तो उसको लेडीज नंगी देखनी नहीं है, लेडीज को उसके सामने मर्दों की बॉडी ऐसी लेकर आएगा शैतान, एक मिनट में वो फिदा होते जाएंगी उसकी बॉडी पर, औरतें एक मिनट में पाप में जाएंगी, पकड़ी जाएंगी। और सबसे खतरनाक हथियार है शैतान का, वो है पाप में तुम्हें डालना, तुमसे बुराई करवाना। तुम परमेश्वर का मंदिर हो, अगर ये मंदिर के अंदर बुराई होने लगी, पाप होने लगा, तो ये जीवन खाक होगा, ये तो नाश होगा, नष्ट होगा, बीमारियों से, अशांति से, क्लेश से, और रोज रोज कुड़कुड़ जिंदगी होगी आपकी, फिर कोई शांति का जीवन नहीं होगा। जो आपके लिए अवेलेबल एक बेस्ट लाइफ, एक उत्तम लाइफ परमेश्वर के पास। तो इस वचन से हमें समझ आ रही है इसके पास किसी भी प्रकार का कोई मटेरियल नहीं था। सोचो ये मन के अंदर परमेश्वर के साथ कैसा था, इसीलिए इतना ब्लेस्ड था। आज से ध्यान दो, तुम जो चाहते हो इस नियम में, दुनिया में कुछ भी कर लो, दुनिया के कोने तक दौड़ लो, भाग लो, कुछ भी कर लो, अगर संसार में लोग हेरा फेरी कर दे ना, आज मार्केट में जाओ नकली दूध मिलता, नकली पनीर, नकली खाने पीने की चीजें, जो लोग बनाते हैं उनका कोई भगवान है, उसका उनको भय नहीं है, क्योंकि वो नकली चीज होगी, इसीलिए भय नहीं है। वो पकड़े हुए हैं शैतान के दिमाग से। अगर उनके अंदर खुदा का भय होता, उनका कोई जीवित परमेश्वर होता जो उन्हें देख रहा है, उन्हें महसूस होता, तो वो कोई नकली चीज दुनिया को न खिलाते। समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको? हालेलुया। आप एक रोशनी हो दुनिया के लिए, आप दुनिया के लिए किरण हो, रोशनी हो,
दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए। तुम्हें यह सुसमाचार का काम खुदावंद ने दिया है, तुम्हें यह करना है। अगर तुम करोगे, खुदा तुम्हारे साथ खड़ा होगा, तुम्हें बुद्धि देगा, तुम्हें समझ देगा, तुम्हें सामर्थ देगा, तुम्हें ताकत देगा, तुम्हें सुनाएगा और बलवंत भी बनाएगा, तुम्हें बरकत देगा, तुम्हें ब्लेस करेगा। वो कहानी नहीं है परमेश्वर कोई, वो जीवित परमेश्वर है, वो सामर्थ्य है, वो सामने सामने काम करता। आज भी हम दिखाएंगे लोगों को, बोलो आज भी दिखाएंगे हम यहां पर लोगों को। इसीलिए तुम्हें ये बात को पकड़ना है। चलो मैंने तुम्हें ये चीज बताई है ना कि अय्यूब की जिंदगी जो है वो मन से परमेश्वर के साथ थी, ना कि उसके पास कोई मटेरियल था। इसके पास स्पिरिट भी था, आत्मा आता था, इसे समझ देता था होली स्पिरिट। अभी तो ये परमानेंट मनुष्यों के लिए अवेलेबल है, सबके लिए, जो लोगों को पता नहीं बेचारों को। लेकिन मैं आज तुम्हें दानियल के जीवन में भी एक चीज समझाना चाहता हूं आज, ठीक है। आप जानते हो दानियल कितना परमेश्वर को प्यार करता था, बहुत ज्यादा, लेकिन उसको भी फंसाया गया। जानते हो दानियल के जो राजा था उस समय, तो वो राजा को उसके दूसरे मंत्रियों ने, है ना, जितने भी प्रधान थे, ऐसे ऊंचे पद वाले है ना राजा के राज के अंदर, तो उन लोगों ने राजा को कहा कि आप तो इतने शक्तिशाली हो, महान हो, लेकिन हम चाहते हैं आपके राज्य में कोई ऐसा मनुष्य है जो आपकी बात ना मतलब तोड़ दे, आपकी आज्ञा तोड़ दे। तो इसलिए आप एक कानून बनाओ जिससे ये चेक हो जाए कि आपकी आज्ञा को कोई तोड़ने वाला है। क्योंकि वो लोग दानियल को फंसाना चाहते थे, दानियल के अंदर पवित्र आत्मा था और उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि कैसे इसे फंसाए। तो वो एक ही चीज से फंसा सकते थे, उसकी धार्मिकता के कारण, क्योंकि वो किसी मौत का भी कारण ना चाहे अपनी धार्मिकता से आगे पीछे हो नहीं सकता था। हम तो दो मिनट में अपनी धार्मिकता को आगे पीछे कर लेते, एक मिनट में परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते, एक मिनट में परमेश्वर के वचन की कोई परवाह नहीं, एक मिनट में आगे पीछे हुआ ही आप जो मर्जी कर लेते, हमारा तो ऐसा सिस्टम है। लेकिन दानियल भय रखता था परमेश्वर, वो समझ रखता था, खुदा के आदर को समझता था, वो उसे देखता था वो अपनी आत्मिक आंखों से। जिस दिन तुम देखने लगोगे, तुम ध्यान देने लगोगे, तुम कभी उसका निरादर नहीं करोगे। और तुम्हारी जिंदगी में शैतान नाम की चीज या दुष्ट की कोई युक्ति काम कर जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन मैं ये पढ़ाना चाहता हूं, जब वो फंस गया, क्योंकि उस समय उसके मंत्रियों ने एक चीज समझाई राजा को कि इस देश में तू 21 दिन तक एक कानून बना के कोई भी जिसकी पूजा करता है वो 21 दिन तक ना प्रार्थना करे, ना पूजा करे, कुछ ना करे। लेकिन दानियल तो 3 टाइम प्रार्थना करता था परमेश्वर के सामने, वो कैसे रह सकता है अपनी प्रार्थना से, परमेश्वर के साथ मन लगाने से वो रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी वो आत्मिक रोटी है, वो जीवन की चीज है, जिसके बिना वो रह ही नहीं सकता। हम लोग तो किया ना किया प्रार्थना, ना परमेश्वर से मन लगाया, कभी लगाया कभी ना लगाया, हमें एक चीज करनी आती है, हाँ जी हाँ जी, गुस्सा करना आता हमें, ही नहीं आया करना, साड़ी प्रार्थना नहीं, ये नहीं हुआ, हमारा काम नहीं हुआ, हमें ये बड़ा करना आता है। बोलो, वॉलेंटियर पर, टीम पर गुस्सा करना बड़ा आता है, नियम नहीं पूरा करना आता दिल से। चलो जब ये पकड़ा गया तो क्या हुआ देखते हैं। दानियल 6:16-17 तक पढ़ेंगे, क्या लिखा। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर शेरों की माद में डाल दिया गया। सोच लो, क्योंकि उसने वो प्रार्थना बंद नहीं की, आकर उन्होंने चुगली मारी उसकी कि देख राजा तेरे हुक्म को तोड़ दिया, जिसको तूने बेबीलोन के प्रांत पर एक सबसे बड़ा मैनेजमेंट करने वाला मंत्री था ये भी राजा का दानियल, लेकिन ये गुलामी में था, इनका राजा अपना नहीं था, जाति का। ये वाला राजा ने आकर, ये राजा भी अच्छा था वैसे, दानियल को प्यार करता था ये राजा सच्ची, लेकिन अब उसको उकसाया, फुसलाकर एक कानून बनवा दिया गया,
और ना जैसे हमारे देश में कानून बने थे ना किसानों के लिए, बने थे ना 3 कानून, अच्छा हुआ किसानों ने स्ट्राइक्स की और वो देश ने वापस ले लिए। लेकिन अभी हमारे जो किसान है वो भी कई चीजें आगे पीछे कर रहे हैं, उन्हें भी राइट रहना पड़ेगा। ये जो मर्जी हो किसी जगह पे धरना लगा देते, ब्लॉक कर देते हैं, आम जनता परेशान हो जाती है। इनको भी अपने प्रोटेस्ट को सही से करना पड़ेगा। लेकिन अभी समझना पड़ेगा हमें आगे क्या लिखा। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर शेरों की माद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड़े के मुंह पर रखा गया, है ना। अभी दानियल को भूखे शेरों के आगे डाल दिया। दानियल के पास कौन सी चीज है? कोई प्रार्थना किया हुआ कपड़ा, ऐसी चीज कोई है? बोलो क्या है उसके अंदर? एक तो पवित्र आत्मा काम कर रहा है उसके अंदर, और दूसरा उसका भरोसा, मन का विश्वास। ये सबसे मेन चीज है, ये सबसे तगड़ी चीज है आपके लिए जो आज आपको पकड़नी है। यही कमजोर हो रही है मटीरियलिस्ट चीजों के कारण लोगों की। इसने अपने मन के विश्वास को कमजोर किया और शैतान ने इसे पकड़ लिया। इस लड़की को हमने फ्री करवाया था इसे। बोलो समझ आ रही कि नहीं आई? लेकिन अभी इस चीज को सीखो। आगे भी पढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। शेख अध्याय का 19 से लेकर 22 तक। भोर को पौ फटते ही, क्योंकि राजा प्यार करता था उसको, क्योंकि फुसलाकर आ गया तो बना दी, लेकिन ये नहीं चाहता था कि दानियल का नाश हो। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और शेरों के गड़े की ओर फुर्ती से चला गया। तब राजा गड़े के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चलाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे शेरों से बचा सका? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगान युग जीवित रहे, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर शेरों के मुंह को बंद कर रखा है और मेरी कुछ भी हानि नहीं हुई। अब सोचने वाली बात है, इसके हाथ में कोई ऐसी चीज है मटेरियल कि इसका भरोसा किसके ऊपर था? अब तुम्हारा भरोसा भी किसके ऊपर चाहिए? बोलो खुदा पर चाहिए या नहीं चाहिए? उस जीवित सामर्थी परमेश्वर पर चाहिए? इसको तुमने प्रैक्टिकल करके अपने आप को तैयार करना है, ऐसा मनुष्य, स्पिरिचुअल, आत्मिक, आध्यात्मिक। ये एक प्रैक्टिकल चीज है। ये जितने हालातों में रहकर तुम अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास करोगे, तुम खड़े रहोगे हालातों के बीच में, बीमारियों के बीच में प्रैक्टिकल करोगे अनदेखे चीजों के बिना भरोसा रखकर, ये करते करते तुम जबरदस्त मजबूत बन जाओगे। हालेलुया। इसको मजबूत बनने का यही एक तरीका है तुम्हारा, कि तुम हालात में परमेश्वर पर भरोसा रखो, जैसे इन लोगों ने किया। ये भी हमारे जैसे मनुष्य थे, लेकिन परमेश्वर ने काम किया। क्या आज तुम काम नहीं देख रहे हो? क्या लोगों की कैंसर जाते नहीं देख रहे? लोगों के घुटने खराब जिनको बैठा नहीं जाता, क्या उनके अंदर ग्रीस पैड नए नहीं बन रहे? फटे हुए पर्दे नहीं जुड़ रहे? बहरे नहीं सुन रहे? बोलो हो रहा है ये काम या नहीं हो रहा? हो रहा है ना? तो ये कौन कर रहा है? खुदा कर रहा है ना? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देखोगे कदाचित विश्वास नहीं करोगे। ये दुनिया के जो लोग हैं ना, वो परमेश्वर की शक्ति को देखकर विश्वास करेंगे, हमारे ज्ञान से नहीं, इतने ज्ञान से नहीं। हाँ, इधर हम ज्ञान भी बढ़ा देते हैं, इससे भी लोगों का मन बदलता है। अगर ध्यान से कोई सुने, समझे कि सच्ची, ये सच्ची बातें, ये सच्चा पवित्र ज्ञान है जो जीवन देता है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं आज, क्योंकि मैं इससे लंबा नहीं जा पाऊंगा, मेरे पास और भी है तुम्हें देने के लिए वचन, लेकिन इस टॉपिक को मैं इस संडे जारी रखूंगा आपके लिए, ताकि इसका और पार्ट जुड़कर आपका मन मजबूत बने। तो रेडी हो जाओ, फिर
इस चीज को आज से प्रैक्टिकल करने के लिए सुनो, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं। अगर किसी को रात को कब्रिस्तान में जाने से डर लगता है, बोलो, कई लोग डरते हैं ना कब्रिस्तान, मड़ियों मड़ियां बोलते हैं पंजाबी च, क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना जब भी लोग आप बढ़िया, लेकिन कब्रिस्तान कहते हैं ना उसको। अच्छा, अगर किसी को रात को ये डर लगता है कब्रिस्तान में जाने में, कब उसका डर निकलेगा? जब तक वो वहां जाएगा नहीं। जब एक दो बार जाएगा तो उसका डर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसको लगेगा ले मैं डर रहा था, यहां तो कुछ भी नहीं है। ये एक तरीका है प्रैक्टिकल करके उस चीज को, डर को खत्म करना। अब तुम्हें मन के प्रैक्टिकल से, अपने भरोसे से, विश्वास के साथ, क्योंकि परमेश्वर में नजर नहीं आ रहा वो है, या अगर देखना चाहते हो तो फिर मन का प्रैक्टिकल करने के लिए क्या जाओ, स्टार्ट हो जाओ, बोलो स्टार्ट हो जाओ ये प्रैक्टिकल करने के लिए। अपने आप तुम्हें नजर आ जाएगा खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। सो आज इस वचनों के बाद तुम्हें प्रैक्टिकल भी करना है, और जब तुमने इधर आना है प्रार्थना के साथ, तैयारी के साथ आना है, तो वचन ज्यादा काम करेगा, मेरी प्रार्थना ज्यादा काम करेगी। तुम भी एक तैयारी के साथ सुबह उठकर प्रार्थना करो, मैं आज मीटिंग में जा रहा हूं, खुदा आप मुझे शोगे, आज मैं और आत्मा से भरूंगा, आज तेरे दास के शब्द, उनके मुंह के वचन, जब वो प्रार्थना करेंगे, हाथ रखेंगे, आज तेरी सामर्थ काम करेगी मेरे जीवन। अगर तुम ऐसे तैयारी से आओगे तो फिर बड़े मिरेकल को देखोगे, चमत्कारों को देखोगे।